में जाना, उसके बाद फिर जब कर लो तो फिर आप सीधा यात्रा में शामिल हो। बगल में, बगल में नहीं, करीबन यहाँ से 7-8 किलोमीटर है इसी ब्लॉक में। वैसे हम लास्ट वाले दिन निमंत्रण बटवाए ग्रामवासियों को, निमंत्रण बटवाए और कुमारी कन्याओं को बरकत और प्रसाद, जिससे उनकी स्थिति थोड़ी अच्छा हो। झंडा गड़ा हुआ परिक्रमा का, वही हमने कहा भाई जय गुरुदेव नाम तुम भी कहते हो, जय गुरुदेव पंकज भी कहता है, तुम झंडा गड़वा कर एक प्रेत आत्मा कर उतार के दिखा दो तो तुम्हारा असली मान लिया जाएगा, नकली हो तो कितने प्रेत उतरेंगे देखना, कल से कितनी बीमारियां जाएंगी, ऐसे नहीं है, सब गारंटेड काम है, यही सच्चाई है। हाँ, जहाँ फायदा हो वही। हमने कहा अगर गुरु जिंदा नहीं है तो झंडे से काम कौन करवा, तुम्हारा गुरु मर गया तो तुम जरा एक झंडे से एक काम करा दिखा दो, समझ में आ जाए असली कौन नकली। काम जिंदे तो करेगा, यही तो काम की बात है सर। काम करेगा नहीं, बहुत जो है का फोन आया तुमने, काम आ रहे हैं फिर कार्यक्रम में, फिर जब अभी रास्ते में फिर कहीं शामिल हो लिया जाएगा। हाँ नहीं नहीं, जरूरी है, सुबह यात्रा में बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस पुलिस जानकारी तो वही है, क्या कहते हैं पुलिस भी रहेगी तो चला जाए गोरखपुर में, जब भी आपने कहा था सबको जो है मान करते हैं, हमारे कोई छोटा बड़ा गरीबों में नहीं। अब ये कुछ अपना मनाए वो मनाते रहते हैं, हमारे अंदर कोई बात है, हम तो इन दोनों लोगों को बुलाते हैं, तुम भी आओ अभी समय से जाके आओ, आएंगे अभी, ये नाटक बंद कर दीजिए स्वार्थपरता का। गुरु दयालु है लेकिन संगत दयालु नहीं, जिस दिन ये जान जाएगी तुम्हारी नसों से एक रुपया सेवा का वसूल कर लेगी तब तुम्हारा क्या होगा, तो कहना पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल कहना पड़ेगा, सब तो तुम कैसे छिपा लो। बलरामपुर के पंकज भी तो यही गए, पंकज ना पंकज यादव, पंकज तो वही गए, पंकज यादव है शिवपाल सिंह, शिवपाल सिंह तो अगर मंत्री ना होती तो जय गुरुदेव क्या स्थान तो नहीं देती। नहीं तो ये तो सब गए थे, उनकी असल मुलायम की माँ ससंगीत थी, धीरे धीरे फिर उससे बच्चों को ले गई, फिर ये शिवपाल तो बहुत जाता जाता। शिवपाल जी तो असर है कि अगर हेलीकॉप्टर, अगर बलरामपुर का कार्यक्रम है विधायक जी और वो ये जनती की महात्मा हिया है तो हेलीकॉप्टर यही उतार देते बिना परमिशन और बिना आशीर्वाद लेकर, तब वह बलरामपुर जाते। वैसे नहीं उस परिवार में था लेकिन वो स्वार्थ सब धन के स्वार्थ माँ की जड़ होती है। इन लोगों ने भी और छिपा दिया जी, इनके यहाँ केसरी बाड़े है वो नाराज हैं थोड़ा। कहाँ ये? वही आपके केसरी बाड़े, केसरी बाड़े वाला पुरवाले नहीं, वही श्रीनगर जो स्कूल खोले वो तो आता है, विद्यालय खोले हैं जो तो आता है, अभी अभी वहाँ भंडारा चला है तो सिद्धार्थ। हाँ हाँ है, यहाँ बुलाया तो वही कोने वाले मकान तिवारी वाले बिरादरी भर। अब आपको संगत गुरु की नहीं, गुरु जी आपसे बताया जात पात की, गुरु जी बताया आपसे, हम मेरी शुरुआत आपकी के विद्यालय में हुई, जय गुरुदेव विद्यादान विद्यालय विशेषरगंज में, बहुत पहले चलता था, बहुत अच्छा विद्यालय था, बहुत अच्छा विद्यालय था, शिव कुमार सिंह जी उसके प्राचार्य थे, सुरेश सिंह केसरी पांडे आए थे, खत्म हो गए ये सारे लोग थे और शुरुआत हम लोग जय गुरुदेव विद्यालय में हुई। असल में जब बलरामपुर में कार्यक्रम था भंडारे का तो हम तो बहुत पहले से जय गुरुदेव जी के चेला हैं, इन लोगों ने राजनीति की थोड़ी उसमें हर साल दादा गुरु है। इसमें तिवारी ने क्या किया, 50,000 रुपये डीएम को दिया रिश्वत, कार्यक्रम रद्द हो गया, अब से दूबे हो ना, परमिशन पहले हो चुका था, हम उठाए ना कोई भाड़ा दीजिए, तो हमने कहा देखो ये परमिशन है तुम्हारा, तुम्हारे दस्तखत नौकरी लेटर कोर्ट में खड़ा, परमिशन तो प्रधानमंत्री भी रद्द नहीं कर सकता,
मिशन वो चीज होती है भैया, और जिम्मेदारी बैठे जय गुरुदेव। हम आपके आ गए, आपके मुन्ना तिवारी फिर वो बोला कल नहीं कार्यक्रम तो होगा, 50,000 रुपये भी मकान से ले लिया, वो कार्यक्रम करवा देखो कैसा होशियार निकला। तुमने बताइए तुम उस गुरु के चेला हो, गुरु का कार्यक्रम तुम बंद करा रहे हो, पैसा भी तुम्हारा चला गया, क्या मतलब निकला? वो क्या तुम्हारी क्या रही? ये सब जगह यही करते, सब जगह भाई सब जगह यहाँ ना हो, यहाँ के लिए भी होगा क्योंकि 5 जिले सेट से बस्ती गोंडा बस्ती बहराइच और सिद्धार्थनगर दूसरा बस्ती, ये 5 जिले इनके फिट थे पहले से, यहाँ का जितनी सेवा थी नहीं पा जाती थी, सारी सेवा बाकी जिलों की और लोग यहीं तक सीमित ही नहीं थे, अंदर नहीं जाने देते। क्या लाइव क्या 60% प्रण किया 40% ये सब कमाऊ पूत थे, आज भी वही कर रहे हैं, ये कमीशन एजेंट वाले बगावत करते हैं, इनको पैसा मिलता है। बाद में ये सिस्टम नहीं बैठेगा तो अपना इधर उधर करेंगे भाई, तो भी मालूम नहीं, उन्हीं को चिंता है कि अगर यहाँ के प्रेमी अगर जाग गया तो सेवा बंद रुक जाएगी हमारी, बताओ सेवा कितनी चिंता, गुरु की चिंता नहीं, भगवान की चिंता नहीं, जी के पाले हमारा क्या होगा इसकी भी चिंता नहीं, केवल पैसा पैसा पैसा। तुमने भाई ये तो नहीं होगा, बहुत तो लूट ली, 7 साल हो गए लूटते लूटते, पहले लूटा 60 साल, 7 साल ये हुए 67 साल, जब ये गया था आश्रम तिवारी के पिता सत्संगी था वो लेके गए, एक फटा बजा बन गया था, कुछ नहीं था, एक टीबी का मरीज भी था, मैंने कहा कि ऐसा करो उसको यहाँ छोड़ दो आश्रम, ये भी शादी क्यों भी नहीं है, तभी से आश्रम। अब टीबी का मरीज बताओ आप कितने दिन चल सकते, 3 बार इसको जीवन दान दिया 3 बार, और आज वही जीवन हरण की बात कर रहा हूँ, क्या जिंदगी को दे सकता, ऐसा कोई है जो जिंदगी दे दे? 3 बार आनंद सिंह एमएलए प्रतिनिधि बलराम आपके गांव बैठे हैं, यही यही एक एक मिनट एक मिनट, हेलो सर जी देखिए कौन आ रहा है, अभी आ रहा है, दो दो फोटो खो गए, अरे आइए इनके पिताजी आपके संगत के बहुत पुराने जो है, जल्दी ले आओ भाई सबको मिलना चाहिए, ये सब आप काम है, समय नहीं आप लोगों के पास